गाइस जब से माइनक्राफ्ट में 1.19 का अपडेट आया है वैसे ही हमारे पास बहुत सारे मिथ्स आ चुके हैं, तो आज हम उन्हीं मिथ्स को चेक करने वाले, ट्राई करने वाले ये मिथ्स कंफर्म है या बल्सेड है। सो देरी किस बात की, चलते वीडियो को शुरू करते हैं। तो मिथ नंबर 1, गाइस हमारे वार्डन का स्नीक बहुत ज्यादा पावरफुल है और वो बेडरॉक के वॉल को भी तोड़ के स्नीक दे सकता है, तो ट्राई करते हैं इस मिथ को। तो यहाँ पे मैं बहुत सारे वार्डन को स्पॉन करने वाला हूँ, अब जाते हैं सर्वाइवल में। ओके, देखते हैं इनका स्नीक ये बेडरॉक के वॉल को क्रॉस कर पाएगा कि नहीं। नहीं आ पा रहा है, अरे बेडरॉक को भी क्रॉस कर दिया उसके स्नीक ने। बस 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 इतना काफी है, तो ये मिथ कंफर्म होता है। मिथ नंबर 2, हम लोग अगर विदर स्केलेटन के सामने लाइटनिंग कीपर को ब्लास्ट करें तो हमें विदर स्कल मिलता है हर बार, तो ट्राई करते हैं इस मिथ को। तो यहाँ पे एक विदर स्केलेटन, तो पहले तो हम लोग सिंपल वाले क्रीपर को फोड़ के देखते हैं क्या हम लोग को स्कल मिलता है। ओके, यहाँ पे हम लोग को कुछ भी नहीं मिली, बस एक हड्डी मिली। तो यहाँ पे हम लोग ने स्पॉन कर दिया इलेक्ट्रो क्रीपर को, अभी देखते हैं विदर का स्कल मिलता है कि नहीं। ओके, ओ इधर देखो, इधर का स्कल मिल गया हम लोग को एक ही बार में। सो हेंस ये मिथ भी कंफर्म है। मिथ नंबर 3, गाइस हमारा जो फैंटम है ना वो पानी के अंदर भी तैर सकता है, तो ट्राई करते हैं इस मिथ को। और ये देखो भाई सब लोग पानी के अंदर तैर गए, वाओ अबे फैंटम है कि जल पर ही है यार ये, और ये सब के सब मिलके मार रहे हैं मेरे को। तो हेंस ये मिथ भी कंफर्म है। मिथ नंबर 4, अगर रॉकेट को हम जमीन पे चलाए तो एकदम सीधा जाते हैं, पर वही रॉकेट को अगर हम लोग पानी के अंदर लगाए तो वो रॉकेट टेढ़े हो जाते हैं, ट्राई करते हैं इसको। रॉकेट सिर्फ सीधे जाते हैं, तो हेंस मिथ बस्टेड है। मिथ नंबर 5, गाइस अगर हम लोग नेदर में सोए तो हमारी कुछ ऐसी हालत होती है, पर उसी जगह पे विलेजर नेदर में सो सकता है, ट्राई करते हैं इस मिथ को। सो ये बेड के पास हम लोग डाल देते हैं विलेजर को, क्या ये सोएगा? A few minutes later, भाई यहाँ पे विलेजर सो गए नेदर के अंदर और ब्लास्ट हो नहीं रहा है, भाई ये तो भेदभाव है यार, छोड़ो रहने दो, मिथ कंफर्म है। मिथ नंबर 6, गाइस हम लोग माइनक्राफ्ट में 9 ब्लॉक की जंप लगा सकते हैं। हाँ, मेरे को लगता तो नहीं है, फिर भी ट्राई करते हैं इसको। उसके लिए हम लोग को चाहिए एक स्विफ्ट नेट का पोशन, लीपिंग का पोशन और स्लो फॉलिंग का पोशन। तो 1, 2, 3, ओहो भाई पूरे 9 ब्लॉक का जंप कर लिया हम लोग ने। जो भी हो मिथ कंफर्म होता है। मिथ नंबर 7, गाइस हम लोग किसी भी क्रीपर के ऊपर स्प्लैश पोशन और पॉइजन डाल दे तो वो ब्लास्ट होने के साथ पॉइजन इफेक्ट भी देगा, तो ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे डाल दिया क्रीपर को, इसके ऊपर डाल देते पॉइजन इफेक्ट, अभी फ्लिंट से जला देंगे हम लोग इसको। ओके, ओ ये देखो यहाँ पे पॉइजन इफेक्ट भी मिल रहा है, ये बहुत ज्यादा सही चीज है और मिथ कंफर्म होता है। मिथ नंबर 8, मिथ नंबर 8, गाइस अगर हम लोग स्नो बायोम के अंदर फॉक्स को स्पॉन करें तो वो व्हाइट कलर का हो जाता है, तो ट्राई करते हैं इस मिथ को। सो यहाँ पे हमारे पास फॉक्स का है, अभी ट्राई करते हैं। लिटरली में ये व्हाइट कलर का हो गया है, सो ये मिथ भी कंफर्म होता है। मिथ नंबर 9, इस फॉक्स के सामने अगर हम लोग चिकन को स्पॉन कर दे तो ये जमीन के अंदर घुस जाएगा, मतलब कि स्नो में फंस जाएगा, ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ चिकन को स्पॉन, ओ ये देखो ये तो जमीन के अंदर फंस गया था, लिटरली में फंस गया था, रिवाइंड कर लो यार। तो हेंस ये मिथ भी कंफर्म होता है। मिथ नंबर 10, गाइस हमारे माइनक्राफ्ट में जो नया मॉब आया है जिसका नाम है अले, अगर हम लोग उसको डिनर बोन डाल दे तो वो उल्टा नहीं होता है, अगर डिनर बोन नाम का नेम टैग अगर किसके ऊपर लगा दे तो वो उल्टा हो जाता है, तो ट्राई करते इस मिथ को। तो यहाँ पे स्पॉन करते अले को, इसके ऊपर डालते डिनर बोन, भाई ये तो उल्टी हो गई यार, उल्टी हो गई तो और ज्यादा क्यूट हो गई है, पर यहाँ पे हमारा मिथ बस्टेड हो जाता है, सबको उल्टा होना है भाई, रिवाज रिवाज होता है। मिथ नंबर 11, सो गाइस हमारा मिथ ये कि अगर हम लोग पिगलिंग को एक ही फटके में मार दे तो हमारे पीछे पिगलिंग नहीं पड़ेंगे, तो ट्राई करते हैं इस मिथ को। यहाँ पे ही बहुत सारे पिगलिंग है, अभी मैं सर्वाइवल में तो चले गया, अभी इसको फटका मारते हैं। अरे अरे ये एक फटके में मरा ही नहीं, सब मेरे पीछे पड़ गए, हम लोग पोशन ऑफ स्ट्रेंथ ले लेते हैं इसके लिए। तो अभी इनको एक फटका मार के देखते हैं। सो रहने दो, ये मिथ बस्ते रहे यार। सो गाइस हम लोग पानी के अंदर आयरन गोलम को नहीं बना सकते,
पर स्नो गोलम को बना सकते हैं। तो ट्राई करते हैं इस मिथ को। तो ये रहा हमारा आयरन गोलम का स्ट्रक्चर। यहाँ पे हमारा आयरन गोलम बिल्कुल भी नहीं बना, पर यहाँ पे स्नो गोलम जरूर बन जाता है और मर भी जाता है। सो हैंस मिथ कंफर्म है। गाइस हम लोग चेस्ट के ऊपर डर्ट रख दे तो हम लोग चेस्ट को खोल नहीं पाते, पर जैसे हम लोग फोई का इस्तेमाल करेंगे तो हमारा चेस्ट खुल जाएगा। वाह क्या ट्रिक है, मस्त ट्रिक है। तो ये मिथ भी कंफर्म होता है। गाइस हमारे पिगलिन के बच्चे टोटम का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ट्राई करते हैं इस मिथ को। ओके सो ये वाले बच्चे ने टोटम ले लिया है भाई। एक दो, ओ इसने सच में टोटम का इस्तेमाल किया। भाई बच्चे लोग तो बहुत खतरनाक हो गए। सो हैंस ये मिथ भी कंफर्म होता है। गाइस हमारे माइनक्राफ्ट में हम लोग स्नो के अंदर वीदर को स्पॉन नहीं कर सकते, क्या ये मिथ रियल है? ट्राई करते हैं इस मिथ को। तो यहाँ पे हम लोग ने वीदर का बेस तो बना दिया, अभी ट्राई करते स्पॉन होता है कि नहीं। ओ भाई वीदर स्पॉन ही नहीं हुआ इधर। सो ये मिथ कंफर्म है। गाइस जब भी हम लोग फॉक्स को स्पॉन करते उनमें से कोई एक फॉक्स रहता है जिसके मुंह में कोई तो भी आइटम रहता है, तो ट्राई करते इस मिथ को। ओ, इसके मुंह में कोई तो भी आइटम है। वाह ये मिथ कंफर्म होता है भाई। गाइस अगर हम लोग फॉक्स को स्नो में स्पॉन करें तो ये व्हाइट कलर का होता है, और यहाँ पे स्पॉन करें तो रेड कलर का होता है। पर ये दोनों के अगर बीच में स्पॉन कर दे तो कौन से कलर का होगा? इसी जगह पे रेड कलर का भी निकलता है, इसी जगह पे व्हाइट कलर का भी निकलता है। सो गाइस यहाँ पे वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और आ जाना अगली वीडियो देखने के लिए।